हम सब जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष का कार्यकाल कल संपन्न हुआ है। 6 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान देश की आन मान शान की रक्षा के साथ ही इस देश के अंदर राजनीति की धुरी को बदलने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है, जो केवल पहले नारों तक मुद्दे सीमित हुआ करते थे, उन्हें हकीकत में बदलने का कार्य मोदी जी ने किया। गांव को, गरीब को, किसान, नौजवान, महिलाएं, ये राजनीति की केंद्र बिंदु बने और अपने शासन के 6 वर्ष के शासन के पहले 5 वर्ष वैश्विक मंच पर भारत की धमक को स्थापित करने, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, गांव के लिए, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए समर्पित करते हुए एक नए भारत की नींव रखने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 6 वर्ष का यह कार्यकाल भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल है, जिसने भारत को एक नई पहचान दिलाई तो भारत के 130 करोड़ लोगों के मन में एक नया विश्वास भी जागृत किया है। मैं इसके लिए इन 6 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं। केंद्रीय कैबिनेट से जुड़े हुए जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं और देश को दुनिया के सामने एक नई पहचान दिलाने, भारत के जन जन के मन को एक नई उत्साह और ऊर्जा से भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। अगर हम पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान देखें तो अगर गरीबों से जुड़े हुए उन मुद्दों को जो आजादी के बाद से केवल नारों तक सीमित थे, तो सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इस संबंध में हुई है। और इसमें खास तौर पर अगर आप शुरुआत करेंगे कि आज जब भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, उन स्थितियों में हम स्वयं समझ सकते हैं कि आज हम लोग सफलतापूर्वक राहत कार्यों को इसलिए संपन्न करने में हमें मदद मिल रही है क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट हर गरीब का खाता खोल करके कर दी थी। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण हो, इस कार्य की शुरुआत आज से 6 वर्ष पहले जो प्रधानमंत्री जी ने की, आज उसका परिणाम 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री पैकेज का लाभ मिल रहा है। और ये शुरुआत जनधन अकाउंट के माध्यम से हुई थी, जिसमें 36 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। मैंने स्वयं इस चीज को अनुभव किया है कि इस दौरान हम लोगों ने जनधन अकाउंट धारी 3,56,00,000 महिलाओं के खाते में 5,500 की 3 नई किस्तों को जाते हुए देखा है और लॉकडाउन के दौरान
उन गरीब महिलाओं को अपने अकाउंट को संचालित करते हुए हम लोगों ने देखा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। हम लोग अगर इसी प्रक्रिया को आगे देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ, पहली बार इस देश के अंदर गरीबों के पास भी अपना शौचालय हो। यह केवल शौचालय स्वच्छता का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि यह शौचालय नारी गरिमाकार सम्मान का प्रतीक भी बना है।